बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 24, एक्सरसाइज 1.5, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, चैप्टर 1, ग्रेड 9। इसमें डी और ए दिए हुए हैं, तो ये फाइंड करना है डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स टू डी इनवर्स। इसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें ए भी दिए हुए हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी इस तरह से, तो हम ये सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये चेक करना है हमने कि क्या हम इसका इसका और इसका इनवर्स ले सकते हैं कि नहीं। उसके लिए क्या है कि हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। उससे पहले हम पहले ये डी ए फाइंड कर लेते हैं, ताकि तीनों के इकट्ठे जो है ना वो डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड आउट कर लें। डी क्या है, 3 1 माइनस 2 2, ए क्या है, 4 0 माइनस 1 2। यह है डी मल्टीप्लाई बाय ए, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, देन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, उसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 12 माइनस 1 0 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 2 0 प्लस 4, तो ये आ गया 11 2 माइनस 10 4, ये डी ए आ गया। अब इन तीनों के हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ डी, 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, माइनस पास से लगाएंगे माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, तो ये आ गया 8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 2 8 2 4 2 8, माइनस पास लगाएंगे माइनस 1 2 0 0, ये आ गया 8। अब यहाँ पे डी ए का डिटर्मिनेंट 11 2 4 44, माइनस पास लगाया 10 2 20, माइनस 10 इंटू 2 माइनस 20, क्या आ गया 44 प्लस 20 64। अब ये भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, ये भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, ये भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, तो ये भी नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, तीनों के हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले डी ए का इनवर्स फाइंड करते हैं, ये डी ए है इसका इनवर्स फाइंड करते हैं, वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ डी ए और डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे, ये डी ए किधर है, ये डी ए, 11 4 की पोजीशन चेंज करेंगे, 4 11, इसके साइन माइनस 2 माइनस 10, इसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए 64 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 64 माइनस 2 डिवाइड बाई 64 माइनस 10 डिवाइड बाई 64 11 डिवाइड बाई 64, क्या होगा 2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 16, यह आ जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाई 32, और यह आ जाएगा माइनस 5 डिवाइड बाई 32, और यह आ जाएगा 11 ओवर 64, ये आ गया डी ए होल इनवर्स। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अब राइट हैंड साइड क्या, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है डी इनवर्स के साथ, तो पहले ए इनवर्स फाइंड करते हैं, वो क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे होगा ए का, इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे, 2 4 इनके साइन 0 1, डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8, यह आ जाएगा 2 ओवर 8 1 ओवर 4 0 1 ओवर 8 और 1 ओवर 2, ये हो गया ए इनवर्स। बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ डी, ये डी है, एडजॉइंट ऑफ डी कैसे होगा, 3 और 2 Q
की पोजीशन चेंज होगी, इनके साइन चेंज होंगे, माइनस वन टू, इसको डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ डी एट के साथ। ये क्या आ गया, टू ओवर एट, वन ओवर फोर, माइनस वन ओवर एट, वन ओवर फोर, थ्री ओवर एट। ए इनवर्स और डी इनवर्स हमारे पास आ गया। अब ए इनवर्स और डी इनवर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे होगा कि ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स। ए इनवर्स की जगह पे हम लिखेंगे ये वाला, वन ओवर फोर, वन ओवर एट, ज़ीरो, वन ओवर टू। डी इनवर्स की जगह हम ये लिखेंगे, वन ओवर फोर, वन ओवर फोर, माइनस वन ओवर एट और थ्री ओवर एट। मल्टीप्लाई करते हैं, वन ओवर फोर मल्टीप्लाई बाय वन ओवर फोर प्लस ज़ीरो इंटू वन ओवर फोर, देन वन ओवर फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन ओवर एट प्लस ज़ीरो इंटू थ्री ओवर एट। उसके बाद वन ओवर एट मल्टीप्लाई बाय वन ओवर फोर प्लस वन ओवर टू मल्टीप्लाई बाय वन ओवर फोर, वन ओवर टू मल्टीप्लाई बाय वन ओवर फोर। उसके बाद वन ओवर एट मल्टीप्लाई बाय माइनस वन ओवर एट प्लस वन ओवर टू मल्टीप्लाई बाय थ्री ओवर एट। सॉल्व करते हैं, ये वन ओवर सिक्सटीन प्लस ज़ीरो माइनस वन ओवर थर्टी टू प्लस ज़ीरो, वन ओवर थर्टी टू प्लस वन ओवर एट, माइनस वन ओवर सिक्सटी फोर प्लस थ्री ओवर सिक्सटीन। अच्छा, अब क्या करेंगे, वन ओवर सिक्सटीन प्लस ज़ीरो वन ओवर सिक्सटीन हो गया, ये माइनस वन ओवर थर्टी टू हो गया। वन ओवर थर्टी टू प्लस वन ओवर एट, इसको कैसे सॉल्व करना है, वन ओवर थर्टी टू प्लस वन ओवर एट, हम उनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे कैसे, मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फोर, तो ये क्या हो जाएगा, वन ओवर थर्टी टू प्लस फोर ओवर थर्टी टू, तो ये हो जाएगा फाइव ओवर थर्टी टू। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको माइनस वन ओवर सिक्सटी फोर प्लस थ्री ओवर सिक्सटीन, इसको फोर से करेंगे, इसको फोर से करेंगे, माइनस वन ओवर सिक्सटी फोर प्लस ट्वेल्व ओवर सिक्सटी फोर माइनस एलेवन ओवर सिक्सटी फोर, ये आ गया माइनस एलेवन ओवर सिक्सटी फोर, ये फाइव ओवर थर्टी टू। अब हमें इसमें ये देखना है कि ये वन ओवर सिक्सटीन, वन ओवर सिक्सटीन, ये माइनस वन ओवर थर्टी टू, माइनस वन ओवर थर्टी टू, ये फाइव ओवर थर्टी टू, ये माइनस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमें देखना है कि हमने कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं की जिसकी वजह से ये जो है ना वो सेम नहीं आ रहे। तो उसके लिए हम जो है ना दोबारा से चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने किया था डिटर्मिनेंट ऑफ डी, थ्री टू ज़ार सिक्स, माइनस माइनस प्लस, सिक्स प्लस टू एट, ये हमारा ठीक है। हम क्रॉस चेक कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कैसे क्रॉस चेक करते हैं अपने क्वेश्चन को, आंसर को। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है फोर टू ज़ार एट और ये ज़ीरो हो जाएगा, ये एट, ये भी सही है। डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए, डी ए कैसे किया हमने, ये डी है और ये ए है, थ्री इंटू फोर प्लस वन इंटू माइनस वन, फिर थ्री इंटू ज़ीरो प्लस टू इंटू वन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू फोर प्लस टू इंटू माइनस वन, ये भी ठीक है। माइनस टू इंटू ज़ीरो प्लस टू इंटू टू, ये भी ठीक है। ट्वेल्व माइनस वन इलेवन, ये ठीक है। ज़ीरो प्लस टू, ये भी ठीक है। माइनस एट माइनस टू माइनस टेन, ये भी ठीक है। ये प्लस फोर, ये भी ठीक है। तो डी ए हमारा ठीक है, ये हमारे ठीक थे। अब डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, अलेवन फोर ज़र फोर्टी फोर माइनस, ये आ गया माइनस प्लस ट्वेंटी आ गया सिक्सटी फोर,
ये हमारा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और डी ए भी हमारा ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने डी ए का हमने इन्वर्स लिया था। तो ये जो हमने डी ए किया हुआ है इसका इन्वर्स क्या था, एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ डी ए। एडजॉइंट कैसे फाइन किया था, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, 4 11 कर दिया और ये -2 और +10 कर दिया। ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, हमें नज़र आ गई है कि हमने इन दोनों की पोजीशन चेंज की, 4 इधर चला गया और 11 इधर आ गया। अब ये -2 हो गया और ये +10 हो गया, तो ये हो जाएगा +10। इस +10 की वजह से ये यहाँ से 10/64 हो जाएगा। इस 10/64 की वजह से ये 5/32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ठीक, ये हमने अपनी जो है मिस्टेक जो है वो हमने रेक्टिफाई कर ली, तो ये हमारा अब ये ठीक हो गया। इसको हम ग्रीन से करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना था, ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड किया कैसे, एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे फाइंड किया, 2 इधर चला गया, 4 इधर आ गया और 0 और +1 हो गया, डिवाइड बाई 8 हो गया। तो ये 1/4 भी ठीक है, 0 भी ठीक है, 1/8 ठीक है, और 1/2 भी ठीक है। ये हमारे ये सारे ठीक है, यानी ये इनवर्स हमारा ठीक है। फिर डी इनवर्स किया, डी इनवर्स कैसे किया, एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटरमिनेंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी कैसे है, इन दोनों की चेंज कर दी, 2 3 कर दिया और ये क्या हो गया, इनके साइन चेंज कर दी, ये -1 और ये -2। यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है कि ये माइनस, इनके साइन चेंज होंगे, 1 -1 हो जाएगा और -2 +2, ये भी ठीक है। क्या हमने किया कि इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, 2 इधर 3 इधर, ठीक है, इसको -1 कर दिया और इसको +2 कर दिया, ये भी ठीक है। ये क्या हो गया, 2 जो ये हमने क्या किया कि डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ डी कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया, तो 1/4 -1/8, 1/4 3/8, ये भी हमारा ठीक है। तो डी इनवर्स भी ठीक है और ए इनवर्स भी ठीक है। आपने क्या करना था, ए इनवर्स डी इनवर्स करना था। ए इनवर्स क्या है, 1/4 0, 1/8 1/2। डी इनवर्स क्या है, 1/4 -1/8, ये क्या है, -1/8। 1/4 3/8, ये भी हमारा ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे किया, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 +0 × 1/4, ये हमारी एंट्री, ये हमारे ठीक है। 1/4 मल्टीप्लाई बाई -1/8 +0 × 3/8, ये भी ठीक है। फिर 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1/4 +1/2 × 1/4, ये भी ठीक है। अब ये जो आखिरी वाली है, 1/8 मल्टीप्लाई बाय -1/8 +1/2 × 3/8, ठीक है जी। तो इसमें क्या हुआ, ये क्या आ गया, 1/16 +0, -1/32 +0, 1/32 +1/8, -1/64 +3/16, तो ये भी हमारा ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व किया, ये 1/16 आ गया, ठीक है, ये -1/32 आ गया, ये भी ठीक है, ये हमारा जो है ना 5/32 आ गया, ये भी ठीक है। हमें ये देखना कि -1/64 +3/16 हमने कैसे किया था, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। तो ये -1 और ये +12 है, तो ये यहाँ पे हमारी मिस्टेक आ गई, ये वाली कि हमने ये माइनस का था और ये प्लस का था, तो 12 - 1 होता है 11, तो ये यहाँ पे 11 आएगा, ये हमारी एक मिस्टेक थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया 11/64। तो इस तरह से हमने ये भी सीख लिया कि अपनी अगर हम मिस्टेक अगर हम कर लेते हैं तो हमने उसको गो थ्रू कैसे करना है और कैसे हमने अपनी मिस्टेक को जो है ना वो रेक्टिफाई करना है। तो अब ये क्या हुआ कि जब हमने अपनी मिस्टेक्स जो छोटी छोटी मिस्टेक्स थी जब हमने रेक्टिफाई कर ली, तो ये जो राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये 1/16 1/16, -1/32 -1/32, 5/32 ठीक है, 11/64, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो हमने ये जो ना ये हमने कर दिया वेरीफाई, हमने कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।